हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत बेसवानी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एवीएस टेक अनंत बेसवानी में। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं आपके लिए यहाँ पे मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स लेके आता हूँ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो लोग अपने वीडियोस को अपलोड करके और एक अच्छी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं। कहा जाए तो जिनका यूट्यूब चैनल है उनके लिए भी फायदेमंद है और जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है वो लोग भी अगर अर्निंग करना चाहें तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी। यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप रियली एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। जितना अच्छा आपका वीडियो होगा उतनी अच्छी आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे लॉजिक क्या है वो लॉजिक आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पेज बनाया है जहां पे लिखा है सबमिट योर वीडियो और नीचे लिखा है सबमिट योर वीडियोस एंड ग्रो योर यूट्यूब चैनल फास्टर। कहा जाए तो ये एक ऐसा प्रोग्राम मैं लेके आया हूँ कि आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल्स में अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं और उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मैंने इस पेज पे दी हुई है। कुछ चीजें जो कि मैंडेटरी हैं वो चीजें मैं आपके लिए बता दिया करता हूँ, बाकी चीजें आप यहाँ पे आके चेक कर लेना। पहली चीज है कि आप यहाँ पे आके जो भी मेरा मेक मनी ऑनलाइन वाला यूट्यूब चैनल है ये जो आपके लिए दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे आके आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप लोग अपलोड करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टैब है वो यही है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सबमिटिंग वीडियोस ऑन मेक मनी यूट्यूब चैनल। एक तो ये चीज हो गई कि मेक मनी ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है, अभी मैंने इसका नाम मेक मनी ऑनलाइन रखा है, आगे फ्यूचर में शायद चेंज भी करना चाहे तो कर सकते हैं हम, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने लिखा है, ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। इफ आई फाउंड योर वीडियो इज ऑसम, अगर आपका वीडियो बहुत शानदार है तो मेरा जो मेन चैनल है एवीएस टेक अनंत बेसवानी इसमें भी मैं आपके वीडियो को अपलोड कर सकता हूं। डिपेंड ऑन अगर आपका क्वालिटी अच्छी है, सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो मैं इसमें भी अपलोड कर दूंगा, और अगर वो इसके लायक नहीं है, मुझे लगता है कि इतना शानदार वीडियो नहीं है, तो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। डिपेंड ऑन जैसा भी आपका वीडियो होगा उसके हिसाब से ये चीज डिसाइड करूंगा। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे बेनिफिट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट करने वाले हैं। जो मैं जनरेट करने वाला हूं वही सेम आप यहां पे जनरेट करने वाले हैं। मान लीजिए मैं इन वीडियो से $100 पर महीने कमा रहा हूं तो आप उसमें से 75% आप रखेंगे। जैसे कि यहां पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि 75% रेवेन्यू जो भी आपके वीडियो से आएगा वो आपको ही मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा ये भी चीजें हम आगे बात करेंगे। और साथ ही ऑब्वियसली बात है कि आपका जो वीडियो है, आपने देखा होगा कि कई बार मैं यहाँ के जो वीडियोस हैं वो मैं अपने कम्युनिटी और जगह जगह पे प्रमोट करता हूँ, और यहाँ तक कि जब आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे मेन पेज पे देखोगे कि कुछ प्लेलिस्ट मैंने उस चैनल की भी यहाँ पे ऐड करके रखी हुई है। जैसे आप ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये सभी वीडियोस इस चैनल के ही हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसा मान के चलता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे व्यूज आए हैं 22,000, 2.5, 5.9, 11,000 व्यूज, तो ऐसे ही व्यूज आपके चैनल पे भी आ सकते हैं। कहा जाए तो आप अपने चैनल को भी ग्रो कर सकते हैं, आप अपने चैनल की लिंक भी उसमें ऐड कर सकते हैं, तो कहा जाए तो आपको भी इसका एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। और जो भी दो चैनल हैं दोनों की मैंने यहाँ पे लिंक दी हुई है, एक मेक मनी ऑनलाइन है, दूसरा है एबीएस टेक अनंत बेसवानी। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी डाउट होगा कि आप हमको 75% क्यों दे रहे हैं, आप 100% क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखो तरीका कुछ मिला के ऐसा है कि मेरा थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, अब उस टाइम का पैसा मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए है, तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आपका चैनल अगर मोनिटाइज नहीं भी है तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो अपना टाइम दे रहा हूँ उसका मैं आपसे 25% ले रहा हूँ। अगर आपका वीडियो $100 की अर्निंग कर रहा है तो उसमें से $75 आप रखेंगे, $25 मैं रखूंगा, और ये आपके लिए मंथली मिलेगा। जितना भी आपका वीडियो कमाएगा वो चीज आपको मिल जाएगी। अब वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो चीजें भी हम आगे देखेंगे। अब यहां पे बात आती है कि किस टाइप के
टॉपिक्स आप यहां पे देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कुछ इतने खास इतने वीडियोस तो है नहीं है, आप यहां पे देखेंगे तो ज्यादा वीडियो अभी नहीं है, लेकिन मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, जैसे आप यहां पे कुछ आइडियाज मैंने दिए हैं जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, पैसिव इनकम आइडियाज, एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वाया आप किसके थ्रू कमा रहे हैं या कैसे आप कमा सकते हैं, बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन और क्रिएट दिस एंड मेक मनी ऑनलाइन। तो ये मेरे हिसाब से मैंने कुछ टॉपिक्स देने की कोशिश की है, आप अपने हिसाब से जो भी बेस्ट बना सके वो भी चीजें ठीक है, लेकिन एक चीज आप यहां पे देख लेना कि यहां पे वीडियो कंटेंट नॉट अलाउड, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये चीज क्यों जरूरी है उसका भी मैं आपके लिए कारण दिखा दिया करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये मेरा मेन चैनल है, अभी अभी मैंने एक कहा जाए तो लास्ट जो वीडियो आपको अभी वीडियो तो दिखाई दे रहा होगा, $100 पर डे वाला जो वीडियो था वो मैंने पोस्ट किया था, उसमें सीपीए ग्रिप वाली मैंने लिंक उसमें ऐड कर दी थी और उस लिंक की वजह से एक कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ गई। अब कहा जाए तो मैं तकरीबन 6-7 दिन तक वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता हूं, ये जो स्ट्राइक है ये तकरीबन 26 जून को खत्म होगी, कहा जाए तो 3 महीने करीब स्ट्राइक चलेगी। तो ऐसी मिस्टेक्स ना हो इसकी वजह से मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि एक तो सबसे पहली चीज है कि Whatever content is not allowed as per YouTube community guidelines और policies वगैरह जो इनकी होती हैं, ads की policy होती है, ये सारी चीजों के हिसाब से जो चीज नहीं है वो अगर मुझे 1% भी गलत लगेगी तो मैं आपके वीडियो को अपलोड नहीं करूंगा। Obviously बात है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है I will check All submitted videos manually, कहा जाए तो मैं उनको मैनुअल चेक करूंगा। और यहाँ पे कहा जाए आपने अगर 10 मिनट का वीडियो बनाया है तो मैं उस 10 मिनट को पूरा देखूंगा पूरी तरीके से, मतलब कहा जाए अगर एक दिन में 15 वीडियो आए तो आप ये समझ लो कि मेरे तकरीबन 1.5-2 घंटे ऐसे ही चले गए। अब ये समझ लीजिए कि अगर ये 1.5-2 घंटे मेरे पर डे के जा रहे हैं तो उसका मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए क्या, आप मुझे खुद बताओ। तो ये जो 25% है ये सिर्फ इसी चीज का है कि मेरा भी टाइम जाएगा, आपने तो वीडियो अपलोड करके छोड़ दिया, अब मुझे यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस शुरू हो जाता है कि मैं उसको मैन्युअली चेक करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि नो डुप्लीकेट वीडियोस, कि आपको डुप्लीकेट वीडियो नहीं भेजना है कि वही वीडियो आपने अपने चैनल में भी या कहीं भी आपने अपलोड करके रखा हुआ है और वही वीडियो आप मुझे भेज रहे हो। ये जो चीज है ये अगर आप करोगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा या मैं आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह नोट डाउन कर लूंगा कि इस बंदे का अगले टाइम मुझे वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली बात है मेरा टाइम जा रहा है और मैं इतना बस सर्चिंग वगैरह करके और मेरे चैनल को कोई दिक्कत आए तो वो तो मैं नहीं चाहूंगा। तो मैं उस बंदे को तुरंत ब्लॉक कर दूंगा जिसने भी मुझे डुप्लीकेट वीडियो भेजा। अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन मुझे अपना भी टाइम बचाने के लिए और जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, बाकी लोग अपना कंटेंट यहाँ पे इस चैनल पे अगर डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके कंटेंट को भी सिक्योर करने के लिए मुझे ये कदम जरूर उठाना पड़ेगा। तो अगर आप एक बार भी डुप्लीकेट वीडियो भेजते हो तो मैं आपको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। थर्ड पॉइंट है नो फेक एप्स और वेबसाइट विथ और विदाउट इन्वेस्टमेंट। जरूरी नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइट्स हों या एप्स हों, आपको किसी भी ऐसी फेक ऐप के बारे में नहीं बताना है, उन चीजों को मैं ऑलरेडी खुद प्रमोट नहीं करता हूं और मैं चाहता हूं कि वैसे चीजों के वीडियो आप मुझे ना भेजो, तो मेरा भी टाइम बचेगा आपका भी टाइम बचेगा। और फोर्थ पॉइंट है जो कि आपके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है, इस चैनल को ग्रो करने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसी टिप्स और ट्रिक्स नहीं भेजना है जो चीजें सब्सक्राइबर्स के लिए या कहा जाए तो जो भी व्यूअर्स वगैरह हैं उनके लिए वो चीज काम करे ही ना। ठीक है कि आपने तो बता दिया कि आप ऐसा ऐसा कर लो ये चीज होगी और वो चीज नहीं हो रही है तो वो चीज कहना कि अभी मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूं कि मुझे समझ में आ जाएगा कि ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी। आप मान लीजिए बोल रहे हैं कि आप लोगो बना के 5 लाख रुपए कमा लीजिए और आप लोगो ऐसा बता रहे हो कि उसके कोई 3 रुपया भी ना दे, तो मुझे वो चीज समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं इस फील्ड में इतने सालों से हूं, तो मुझे ये चीज समझ में आ जाएगी कि जो आपने टिप्स और ट्रिक्स बताई है वो कितनी वैलिड है। तो ये भी चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऐसी कोई चीज बता रहे हो जो कि नहीं होगी किसी से तो वो चीज आप मत ही भेजना तो अच्छा होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है चेक बिफोर सबमिट वीडियोस, तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स और लिखे हैं। प्लीज मेक वीडियो डेडिकेटेड टू अवर चैनल, आपको ऐसा वीडियो बनाना है जो कि आप मेरे लिए ही अपलोड करने वाले थे या कहा जाए तो आप उस चैनल में चाहें तो इस चैनल का भी नाम लें कि वेलकम बैक टू मेक मनी ऑनलाइन चैनल, तो कहा जाए तो ये थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाई दिया करता है। और इसके साथ ही आपको रीयूज कंटेंट या क्रिएटिव कॉमन कंटेंट जो होता है वो आपके लिए नहीं भेजना है कि आपने कहीं और से
डाउनलोड किया और आप मुझे भेज दो, ठीक है। और साथ में आप चाहो तो एंड स्क्रीन वगैरह, यहाँ पे मैं लिंक लगाना भूल गया हूँ, तो आपको मैं ये जो है ये मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप एंड स्क्रीन वगैरह डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी एंड स्क्रीन है ये जो कि मैंने फ्री में यहाँ पे अपलोड करके रखी हुई है, तो आप यहाँ से आके, और अगर इनके म्यूजिक वगैरह में कोई दिक्कत हो तो म्यूजिक आप हटा देना, अपना कोई म्यूजिक हो वो लगा देना या बिल्कुल ही हटा देना, है ना। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। तो ये डाउनलोड लिंक भी मैं आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दूंगा ये बाद में। तो यहाँ से आप चाहो तो आपके लिए एंड स्क्रीन वगैरह भी आप लगा सकते हो, और जो भी है ये बाकी कुछ चीजें बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो कि आपके ब्लॉग को या कहा जाए तो आपके वीडियो को ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं कि आपका वीडियो जो है वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, कैची कंटेंट होना चाहिए, और कहा जाए तो यूट्यूब शॉर्ट्स इज नॉट अलाउड कहा जाए तो अभी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स अलाउ नहीं कर रहा हूं। और जो भी है अगर आप चाहो तो आप ओरिजिनल वॉइस के साथ में भी आप भेज सकते हो, बाकी ये चीजें ना ही करो तो मतलब उससे आपको भी कुछ खास अर्निंग नहीं होने वाली है। तो अगर आप चाहो तो आपकी इच्छा है, बाकी मैं ये मना कर रहा हूं कि अभी यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह मत डालो, आपकी इच्छा है। और इसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको वही इमेजेस और चीजें यूज करना है, या कहा जाए तो मेनली इमेजेस का तो कोई खास इशू नहीं है, लेकिन म्यूजिक का ऐसा है कि आप म्यूजिक जो भी यूज करें वो यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी का ही यूज करें, क्योंकि एक्सटर्नल जो भी म्यूजिक वगैरह रहा करते हैं उनमें स्ट्राइक वगैरह आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप अगर ना ही यूज करें तो वो चीज बेहतर रहेगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर जब मैं अपलोड करता हूं उस टाइम अगर कोई भी इशू आता है तो फिर मैं उस वीडियो को पब्लिश नहीं करूंगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपका एक बार अपलोड करने के बाद दोबारा मैं आपको मेल करूं और चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड करूं कि फिर से आप मुझे भेजो, तो वो सारी चीजें मैं नहीं करूंगा। बेहतर रहेगा कि आप YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी का यूज करें, और साथ में बाकी ये जो भी है साउंड इमेजेस या कहा जाए तो कोई ऐसे लैंग्वेज की मत भेजना, मान लीजिए कि बंगाली वगैरह लैंग्वेज के आप भेज रहे हैं, कहा जाए तो जो है हिंदी वाले यहाँ पे प्रेफर्ड यूजर्स हैं, जो भी यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं वो मोस्टली हिंदी के हैं, या इंग्लिश आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के वीडियो आप भेज सकते हैं तो हिंदी यहाँ पे प्रेफर्ड है, बाकी आपको हिंदी और इंग्लिश के वीडियो ही आपके लिए भेजने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है व्हेन योर वीडियो पब्लिश, आपका वीडियो पब्लिश कब होगा। अगर ज्यादा वीडियोस रहे ऑब्वियसली बात है, अगर ज्यादा ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ और वो ऑलरेडी मैं उनको शेड्यूल कर चुका हूँ, एक टाइम आपके लिए दे दिया जाएगा, लेकिन एक एवरेज आप समझ लो कि 2 से 4 दिन के अंदर ही आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ये मैं मान के चलता हूं। शायद अभी इतने ज्यादा लोग ना सेंड करें, अगर ज्यादा लोग सेंड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि शायद ये जो टाइम है ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए मेरा भी कोई वीडियो नहीं है, या कहा जाए तो आपका ही वीडियो पहले नंबर पे आया है तो आपका ही वीडियो शायद कल ही आ जाए, है ना। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने लोग वीडियो को भेज रहे हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, आप जो है वो इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी चीजें दिखाई हुई हैं। आपकी अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि एक आपके लिए स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, ये कहा जाए तो मेरे एक वीडियो का कहा जाए तो स्क्रीनशॉट है। हर वीडियो में उसका एक स्पेसिफिक रेवेन्यू बताया जाता है कि उस वीडियो ने कितनी अर्निंग की है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो भी आपने वीडियो सबमिट किए होंगे उन सभी की मैं यहाँ पे हर वीडियो का रेवेन्यू चेक करूंगा, जो भी रहेगा जो भी उसका टोटल रहेगा। मान लीजिए आपने 5 वीडियो सबमिट किए थे, 5 वीडियो का जो भी रेवेन्यू रहेगा उसका 75% आपके लिए मिल जाएगा, जो कि मुझे बेटर लगा। अगर आपको कोई एक अच्छा तरीका समझ में आता है तो वो तरीका आप भी मुझे बता सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा एग्जांपल बताया है कि जब भी कोई पेमेंट आता है, ठीक है, मान लीजिए जब भी कोई पेमेंट आता है तो यहाँ पे एक करेंसी भी दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो है ये मैंने अपने जो भी बैंक अकाउंट का कहा जाए तो बैंक स्टेटमेंट का एक मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, उसमें मुझे एक प्राइज मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 73.05। एक एग्जांपल पे मैंने दिखाया कि अगर आप $100 अर्निंग करते हो उसमें से 75% हुआ कितना, $75। अब $75 में आप यहां पे देख सकते हैं 73.05 मैंने ऐड किया है, और जो भी यहां पे इनकम दिखाई दे रही है ये आपके लिए रुपीस में आने वाला है। ये कहा जाए तो ये डॉलर है, यहां पे लिखना भूल गया, ये जो है ये डॉलर है और ये जो है ये रुपीस है। तो आपके बैंक अकाउंट में जो आएगा वो आपके लिए इतने रुपीस आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंबल वगैरह भी लगा दूंगा, तो आप एक समझ के रखिए कि ये जो है ये कन्वर्जन यहाँ पे मैं हर महीने चेक करूंगा, और जो भी कन्वर्जन रहेगा उसके हिसाब से जो भी पैसा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज रहेगा कि आपका पैसा कब आएगा।
24 से लेके 26 के बीच में कहा जाए तो हमारे पास पैसा आ जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि 26 के बाद, मतलब 26 के बाद आप समझ लो कि 27, 28 भी हो सकता है, या कहा जाए तो 26 के आसपास आपका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा लोग रहेंगे मेरे पास, जैसा टाइम रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। अगर बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, मैं इसके लिए एक बंदा बिठा दूंगा कि सिंपल सा मैंने रेट दे दिया और वो आपका पैसा ट्रांसफर करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पैसा जो है वो 26 को आएगा, चूंकि हमारे पास जो है वो 23 से 26 के बीच में आता है। कहा जाए तो YouTube जो हमें पे करता है वो 23 से 26 के बीच में करता है, तो मैं आपको 26 के बाद ही यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूंगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि एक और चीज रहेगी कि एक मैंने फॉर्म यहाँ पे बनाया हुआ है, आपके जो भी आपने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उन सभी की लिंक आप 20 से 25 के बीच में आप सबमिट कर देना, तो मैं सिंपल सी उस लिस्ट को एक्सपोर्ट करूंगा, उनका जो भी पैसा रहेगा वो निकालूंगा कि उस वीडियो ने, एक स्पेसिफिक वीडियो ने कितनी अर्निंग की है वो मैं निकालूंगा और मैं सिंपल सा आपके लिए पेमेंट भेज दूंगा। बात समझ में आ गई। ये वाला फॉर्म भी आप चेक कर लेना, यहाँ पे मैं आपके लिए ओपन करके दिखा दिया करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट सबमिटेड वीडियोस पे आउट, तो यहाँ पे आपको पे आउट मिलने के लिए आपको यहाँ पे सभी वीडियोस की लिंक डाल देनी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपने वीडियो सबमिट किए थे उन सभी की लिंक आप यहाँ पे डाल देना, और आप यहाँ पे पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर देना। ये पूरा फॉर्म आप आके चेक कर लेना कि क्या ये चीजें यहाँ पे भरनी है। और मैं एक और बात बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन भरता है तो मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा और मैं बाकी लोगों का भी टाइम ना वेस्ट हो उसके लिए मैं उस बंदे को सीधा उठा के ब्लॉक कर दूंगा। फिर आप पूरी लाइफ यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं पा सकती, तो फेक काम ना ही करो तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बता दी और यहाँ पे इसके बाद तो और कुछ नहीं है, बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी मैंने बता दी, आप इस पेज को आके चेक कर लेना। और हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चीजें आप यहाँ पे सबमिटेड योर वीडियोस जो है, यहाँ पे जो भी आप डिटेल्स भरोगे, मतलब यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो भी आप डिटेल भरोगे और जब आप वीडियो भेजोगे उन्हीं डिटेल से मैं इसके जो भी कहा जाए तो ये जो डिटेल्स आप यहाँ पे दोबारा भेजोगे मैं इनको इसके साथ मैच करूंगा। अगर मैच नहीं होंगे तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका पेटीएम यूपीआई वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन आपका ईमेल, फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ये जो चीजें हैं कुछ चीजें, या आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो ये चीजें आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपकी चेंज हो रही हैं तो मैं उस बंदे को कहा जाए तो यहाँ पे अगर कोई और बंदा सबमिट कर रहा है और आपकी वीडियोज डाल रहा है तो मैं उस बंदे को फेक मान लूंगा, और जो भी बंदा अगर रियल बंदा रहेगा वो मुझे अगर चीजें भेज रहा है तो मैं उसका पे आउट जरूर करूंगा। और ऑब्वियसली बात है आप लोग खुद सोचो कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कोई भी वीडियो यहाँ पे सबमिट किया था और आपकी जगह पे आपके वीडियो को कोई और बंदा यहाँ पे सबमिट कर देगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसको पे आउट चला जाएगा, है ना। कुल मिला के मुझे ये दोनों चीजें मैच करनी पड़ेंगी। अगर आपका ईमेल, फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें मैच हो रही हैं तभी मैं आपके लिए पे आउट भेजूंगा, क्योंकि अगर ये चीज मैच नहीं होती है तो मैं उस बंदे को फेक मान लूंगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि जो भी चीजें आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हो ये चीजें आपके मेल पे भी आएंगी, तो आप उसको मैच करके ही भेजना मुझे। और अब यहाँ पे एक और चीज आएगी आप लोगों के लिए कि वीडियो यूआरएल आपके लिए कौन सा डालना है। तो वीडियो यूआरएल में आप यूट्यूब वगैरह में कहीं भी अपलोड मत करना, आप गूगल ड्राइव में उसके लिए अपलोड करना। गूगल ड्राइव की मैंने यहाँ पे लिंक दी हुई है, आपको गूगल ड्राइव में जाके अकाउंट बना लेना है। ऑब्वियसली बात है आपका जीमेल है, यूट्यूब चैनल है, तो आपका गूगल ड्राइव भी होगा। यहाँ पे आके आपको वो अपलोड करना है, उसकी जो लिंक जनरेट होगी वो लिंक आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करके और आपका वीडियो डाउनलोड करके और अपने जिस भी चैनल में मुझे अपलोड करना होगा उस चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये कुल मिला के एक ऐसा तरीका है जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया है। मैं चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों के लिए, मैंने देखा कि उनके एक साल तक वीडियो ही मोनेटाइज नहीं होते हैं, या कहा जाए तो उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो अगर वो अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, और अगर उनका चैनल ग्रो नहीं भी हो रहा है, उनके वीडियो अगर ऐसे है कि जो पावरफुल हो सकते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे सबमिट करें और जो भी आपकी अर्निंग होगी वो
रियल अर्निंग आपको ही मिलने वाली है वो सारी चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पे बता दी। यहाँ पे मतलब ए टू जेड जो भी चीजें मुझे लगती थी वो सारी चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पे बता दी। तो आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो ब्लॉग है कहा जाए तो ये जो पेज है इसकी भी मैं आपके लिए लिंक दे दूंगा, सारी चीजें आप चेक कर लेना। अगर आपके लिए सही लगता है तो आप यहाँ पे वीडियो सबमिट कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका वीडियो अच्छा होगा तो मैं अपना जो मेन चैनल है उस पे भी अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मेन चीज डिपेंड करती है वो करती है क्वालिटी पे। आप जितना अच्छा क्वालिटी का वीडियो बना सकते हैं, जितना क्रिएटिव वीडियो बना के सबमिट कर सकते हैं, उतनी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट लास्ट एक ही फंडा है कि आप जितना ज्यादा वीडियो सबमिट करेंगे उतनी ज्यादा आपको अर्निंग हो सकती है। तो आई होप सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली, जो लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं, जो अपने वीडियोस को ग्रो करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।